मेरा क्वेश्चन सिर्फ यही था यहाँ से कि यहाँ पे आके ट्रेंड जो है वो यानी चाक बन गया और ट्रेंड जो है वो सारे रिवर्सल हो गए, यानी यहाँ तक बेरिश था, यहाँ से आगे वो बुलिश ही जा रहा है, अभी तक बुलिश ही जा रहा है गोल्ड का। जब हम लोग यहाँ तक पहुंच गए तो मेरा क्वेश्चन ये था कि मुझे इस लो को भी मार करके और इसको लोअर हाई मार करना चाहिए इसमें या कुछ। चले लोअर लो तो चलो आप कहेंगे तो वो तो चलो पॉइंट समझ आ जाएगा, इसको लोअर हाई कैसे कह लेंगे अगले पॉइंट। नहीं, वही मेरे अंदर कंफ्यूजन आ रही थी कि मैं इसको लोअर हाई बना सकता हूँ कि नहीं बना सकता, क्योंकि लोअर लो तो ये बन जाएगा। तो जब मार्केट वापस आएगी दोबारा इस लो को ब्रेक करेगी जिसे जहां आपने लिखा है प्रीवियस वीक लो, तो फिर रह के जी मार्केट का फिर वो लोअर लो बन सकता है, वरना नहीं बनेगा, वरना तो मार्केट का ट्रेंड ही चेंज कर दिया उसने। तो फिर यहां से हम कैसे करेंगे इसको, मैपिंग किस तरह करेंगे, फिर इसको इंड्यूसमेंट के तौर पे लेके इसको हायर हाई करेंगे कि बिला इसने वजह ये लो। ऐसे ही इंड्यूसमेंट ले लेंगे, जब वो लास्ट लोअर हाई आपका ब्रेक होगा फिर ही कोई आपको इंडिकेशन आएगी ना चेंज ऑफ नहीं, ग्रेटिट्यूड। ये ब्रेक हुआ ना लोअर हाई। हाँ, तो इसके बाद जब ये ब्रेक होगा फिर हम एक इंड्यूसमेंट का वेट करेंगे, एक इंड्यूसमेंट जी, बनेगी फिर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर का वेट करेंगे फिर ट्रेंड चेंज हो जाएगा। तो यहां से हम मैपिंग फिर किस तरह करेंगे ये। सर कैसे करेंगे ये देखिए ना, ये एक सेकंड आपने चेंज ही कर, इसको थोड़ा सा ना स्क्वीज करें चार्ट को। हाँ जी, राइट साइड पे मूव करें आप। चले चले यहीं कर, ज्यादा ही कर दिया है बस। ठीक है यहाँ साइड ठीक है, चले बस सही है। अब ये देखें यहाँ ये ब्रेक होगा, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर की फर्स्ट इंडिकेशन है। ठीक हाँ जी है, उसके बाद ये इंड्यूसमेंट है, मार्केट इंड्यूसमेंट नहीं ली, ऊपर चली गई है, फिर हाँ ये जी जी इंड्यूसमेंट बनाई है, उसके बाद अब ये जी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, अब ये आपका यहाँ जी कंप्लीट ट्रेंड रिवर्स हो गया, अब मार्केट सही ऊपर सही। जा नहीं रही है। तो अगर हम लोगों ने एंट्री लेनी हो तो फिर यहाँ पे कहीं पे एंट्री लेंगे। आप यहाँ पे भी ले सकते हैं, ये तो स्ट्रक्चर की बेस पे जब आप सिर्फ ट्रेंड को देखेंगे तो यहाँ लेंगे, लेकिन आपके पास जब एंट्री टेक्निक पढ़ेंगे तो बहुत सारी टेक्निक्स होंगी जहाँ आप यहाँ भी अपनी एंट्री फॉर्मुलेट कर सकते हैं। सही सही। हाँ जी, अच्छा वो आगे हम इसके। हाँ दूसरा जी दूसरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड था कि वो आपको बताया था कि मैंने वो चैलेंज लिया हुआ ट्रेडर फंडिंग का, लेकिन मैं अभी उस पर कोई एंट्री नहीं ले रहा। अगर नहीं ले रहे तो तो 30 दिन बाद वो वैसे बंद हो जाना है, उसको हल्का हल्का नहीं, ट्रेड। मैंने एक ही एंट्री ली है उसको, यानी कैरी ऑन करने के लिए एक ही एंट्री ली है हफ्ते में, वो भी छोटी सारी एंट्री ली थी ताकि वो कैरी रहे। तो उसी के बारे में क्वेश्चन ये था कि अगर आप कोई शेयर कर दिया करें कोई एंट्री पॉइंट या ये नहीं होना, कोई तरह से, ये नहीं होना, नहीं होना, ये खुद ही फाइंड करना है। फिर फायदा क्या आपको मेंटोरशिप लेने का, फिर आप सिग्नल ले लेते हैं। नहीं, सिग्नल मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एंट्री तो हमने पढ़नी है अभी आगे एक जाके। मिनट, एंट्री आगे जाके पढ़नी है। नहीं, आपने अभी कहा ना वो आगे जब हाँ लेक्चर तो एंट्री कंप्लीट तो आगे होगी जाके उसके पढ़नी बाद। है, लेकिन मैं आपको देखना, अगर व्हाट्सएप ग्रुप में है तो मैं हफ्ते में एक दो सेटअप ड्रॉप करता हूँ कि मार्केट ये कर सकती है वो कर सकती है, तो वहां हम अपने कॉन्फिडेंस मैच करेंगे। जब आप एंट्री टेक्निक स्टडी करेंगे तो आपको पता होगा ये एरो लगा है, अब जब मार्केट उस रेंज में पहुंचेगी तो हमने वहां क्या देख लिया। सही सही, ठीक होगा। जी चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाँ जी, कोई इशू नहीं है जी। सब लोगों को वेलकम में रखा, सब लोग ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा देखें, अभी ये सेटअप वगैरह ये चीज़ें मैं, ये हमारे ग्रुप में भी ये मैडम शकीला बैठी हैं और बाकी लड़के भी होंगे, सिग्नल का काम मेरा कहीं भी नहीं है, मैं किसी को नहीं देता, सपोर्ट करता हूँ। सपोर्ट करने के लिए क्या होता है कि आप एक अपना एनालिसिस बनाते हैं, मुझे भेजते हैं कि जी ये क्या हो सकता है, तो मैं बता देता हूँ कि हाँ जी ये गलत है सही है। जिस तरह हमारे ग्रुप में ऐस मतलब वो मेंटोरशिप भी नहीं ले रहे लड़के, नॉर्मल डिस्कशन ग्रुप में मुझे मैसेज आता है ये हमारा सेटअप ठीक है, मैं कहता हूँ ग्रुप में डालो, ग्रुप में मैं उनको फीडबैक देता हूँ कि ये सही है या नहीं, तो वो ट्रेड कर रहे हैं। तो आप अपना सेटअप तो बना के उधर शेयर करें, अगर मेरे सेटअप पे बैठे रहेंगे फिर आपका ये अकाउंट जो अभी 1 महीना आपने संभाल के रखा है ये हफ्ता भी नहीं गुजारेगा, बड़ी जल्दी उड़ा दूंगा इसको, उसका आपको फायदा नहीं होना। ठीक है, तो ये जब आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपके पास आ जाएंगे फिर इंशाल्लाह हम लाइव ट्रेड भी किया करेंगे, कोई इशू नहीं है। लाइव ट्रेड से मुराद हम आया करेंगे, सेटअप डिस्कस करेंगे, मार्केट का वेट करेंगे, मार्केट को कैसे देखना है, किन फैक्टर्स को देख के ट्रेड करनी है। फॉर द टाइम बिंग अगर आपके पास अकाउंट है और आपको थोड़ा सा है
तो आप एक पेयर पकड़ लें, उसकी स्ट्रक्चर मैपिंग करें, जैसे मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर स्विंग हाई स्विंग लो बनाए, उस रेंज को डिफाइन करें, वहां जो भी आपका लास्ट ऑर्डर ब्लॉक है बाकी सारे छोड़ दें, जो भी आपका डिस्काउंटेड जोन में ऑर्डर ब्लॉक है वहां मार्केट टैप करती है, एमएसएस करती है, तो ट्रेड ले लें, सिंपल इज दैट। कोई किसी दूसरी चीज की जरूरत ही नहीं है। अगर आपने ग्रुप मेन ग्रुप में देखा हो तो वहां कल एक लड़के ने अपना प्रोग्रेस शेयर की थी, तो वो प्रोग्रेस में क्या था, सिर्फ उसने एक लेक्चर देखा है, अभी तो सारे लेक्चर नहीं देखे, सिर्फ उसने पहला लेक्चर देखा है और उसने अकाउंट पास कर लिया, दोनों फेज पास कर लिए। तो उसने मतलब सिर्फ एक लेक्चर देखा है, खुद एफर्ट किया है, लगा रहा है, उसने 15 दिन बैक टेस्टिंग की है, उसके मैं आपको वॉइस मैसेज भी सबको सेंड कर दूंगा सुने, कहता सिर्फ 15 दिन बैक टेस्टिंग की है, दोनों फेज उसने मेरे ख्याल हार्डली 12-13 दिन में पास कर लिए। अब उसकी लाइफ की केवाईसी चल रही है और वेरिफिकेशन, उसके बाद उसको लाइफ फंड अकाउंट मिल जाए। ठीक है, तो बाकी चलें आज का वेबिनार, मुझे क्लास में ये बताएं कि आप लोगों ने, मैंने तो सबकी मार्किंग देखी है माशाल्लाह, अच्छा कॉन्सेप्ट है, कुछ लोगों का रह गया था जो होमवर्क चेक नहीं हुआ वो भी मैं कर दूंगा। तो आप लोग बताएं क्या आप लोगों ने फाइंड किया है, कि सबसे पहले तरतीब से पूछ लेते हैं, अभी कौन था, अली फरहान जी, अली फरहान भाई आप बताएं कि जी चेंज ऑफ करेक्टर में क्या आपने सुई बेस में क्या फाइंड किया है, क्या फाइंडिंग्स आपकी आपने रिमार्क किया था। स्वी बेस में शेर भाई वो पहले ये अब इसकी मतलब किस तरह यानी कि एक्सप्लेन किस तरह करूं यानी कि इसको मतलब आपने क्या फाइंड किया कि आपने अगर 60 सेटअप फाइंड किए हैं तो आपको कितने वैल्यू मिले हैं, कितने वो फेल हुए हैं। मैंने आपसे लास्ट में एक क्वेश्चन किया था कि आपने फाइंड करना है कितने ठीक है कितने गलत हैं, और जो गलत आपके हो रहे हैं तो वहाँ क्या फाइंडिंग्स हैं, क्या रीजन आपको लगी है। फाइंड किए हैं, लेकिन कह लें 80-20, 80% ठीक थे लेकिन 20% जो है ना वो फेल हुए हैं, अच्छा 80% ठीक थे और और 20% फेल हुए हैं। हाँ अच्छा जो फेल है वो आपने शेयर किए थे अपने होमवर्क में। जी, मैंने शेयर किए थे जीपी चले मैं उनको भी देखता हूँ। जीपी जीपीपी यूएसडी के 4 आवर जो चार्ट थे वो मैंने शेयर किए थे, उसमें जी उसमें एक जो है वो बड़ा अग्रेसिवली नीचे गया था, बाकी दो जस्ट माइनर नीचे गया, उसके बाद वो अपोजिट साइड पे चले गई। जी चलें ठीक है। तो ये आपने क्या देखा है इसमें, मतलब आप देखें ना, अगर मेरा ख्याल अभी कोई फंडी ट्रेड की बात कर रहा था तो स्वीप बेस ऐसी स्ट्रेटजी है कि जहां आपको मिले आपको इतनी प्यारी ये ट्रेड देती है, ये आज के दिन में देख लें, ज्यादा दूर की बात नहीं करते। ये चार्ट आपको नजर आ रहा है गोल्ड का। यस सर, मैंने इधर मार्क की है आज और वैसे ही गई है। ये देखें, ये स्वीप की है, स्वीप करने के बाद ये ऊपर क्लोजिंग है, ठीक है, और देख ले मार्केट ने उसके बाद थोड़ा सा भी आसरा नहीं किया, यस सर, तो ये तो इतनी सही। प्यारी, मतलब आपको जरूरत ही नहीं है सिग्नल की। मैं तो कल भी आपको, बल्कि लास्ट वेबिनार में मैंने यही कहा था कि अगर आप सिर्फ इस चीज को सीख लेना, इस कॉन्सेप्ट को, तो आप बहुत प्यारी ट्रेड कर सकते हैं। कहीं भी देख लें आपको, जहां स्वीप मिलता है, स्वीप के बाद मार्केट का रिएक्शन देखें, इतना प्यारा रिएक्शन होता है। अगर एक कैंडल सिर्फ बाहर जाती है जिस तरह ये वाली कैंडल है, और साथ ही वेरी नेक्स्ट कैंडल अंदर आ जाती है, तो ये भी एक तरह की लिक्विडिटी स्वीप होती है। ठीक है, वो कैसे, अब ये अगर आपका M15 का चार्ट है, अगर आप इसको फॉर एग्जाम्पल 2 आवर पे ले जाएं, तो 2 आवर पे भी नहीं है, 4 आवर पे चेक कर लें, तो किसी एक टाइम फ्रेम पे ये लिक्विडिटी स्वीप शो कर रहा होगा। ठीक है, तो एक कैंडल बाहर जाती है, साथ ही अगर अंदर आ जाती है तो इट्स मोर लाइक अ लिक्विडिटी स्वीप, लेकिन उसके बाद देखिए मार्केट का रिएक्शन। मेरा ख्याल M30 था टाइम फ्रेम। हाँ जी, ये देखें, ये इसने लिक्विडिटी ग्रैब की है, ग्रैब करने के बाद ये ऊपर क्लोजिंग है, और फिर मार्केट का रिएक्शन देखें, ठीक है, कितना प्यारा रिएक्शन है, सॉरी। उसके बाद किसी और पॉइंट पे चेक कर लें, मतलब जितने भी आपको पॉइंट मिलते हैं फॉरेक्स मार्केट में देखते जाएं, जहां जहां मार्केट आपको स्वीप करती है। अब ये देखें, मार्केट ने ये स्वीप किया है, स्वीप करने के बाद इसने इन 2 पॉइंट्स के दरमियान ये हाई था, ठीक है, ये मोर लाइक यही, इसके साथ ये लाइन हो रहा है। तो जहां जहां मार्केट स्वीप करेगी आपको किसी दूसरे तीसरे बंदे की जरूरत नहीं है, सिर्फ स्वीप फाइंड करें, कैंडल बॉडी क्लोजिंग का वेट करें कि मार्केट किस साइड पे क्लोज कर रही है, अपनी ट्रेड को फॉर्मुलेट करें, अच्छा आपको इसका आउटकम मिलेगा।
बाकी किसने फाइंड किया है कि सम टाइम जब चेंज ऑफ करेक्टर होता है तो यानी स्वीप करती है मार्केट जिस तरह ये, तो वो सेटअप सम टाइम फेल हो जाता है, वो कहाँ होता है, क्यों होता है, किसने फाइंड किया रीजन? जी सर, मैंने किए हैं। तो हैंड रेज करें। ये हसमुल हक भाई आपने किया, बताएं। जी बताएं, आवाज नहीं आ रही सबको? आ रही सर आ रही है आपकी आवाज? है। आ रही है अच्छा, सर। अभी मैं कह रहा हूँ हैंड रेज किया, जरा बताएं कब और कहाँ सेटअप अगर फेल होता है तो क्यों होता है? ये चले आफरीन मोहम्मद अभी शाहिद, आप बताएं पहले। जी सर, सर एक तो ये होता है कि अगर तो जो ट्रेंड की डायरेक्शन के सर अगेंस्ट होता है ना सर, उधर मैंने देखा है सर ये होता है फेल। ठीक है, और और एक सर ये होता है कि अगर वो यानी कि अगर छोटे टाइम फ्रेम पे हो रहा है ना सर, अगर तो अगर किसी बड़े टाइम फ्रेम की क्या कहते हैं उसको, अगर यानी कि हमने नीचे का फाइंड किया है यानी कि डाउन ट्रेंड गया और वो उसकी इंड्यूसमेंट है किसी बड़े टाइम फ्रेम की, तो फिर भी सर वो फेल हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा अब देखिए और? सर, जी लेकिन मैंने जी सर शेयर नहीं कर सका क्योंकि सर कुछ जरा बिजी था, लेकिन मेरे पास वो मैंने ठीक है, किए लेकिन सबमिट नहीं कर सका सर मैं। चले कोई इशू नहीं। जी हसमुल हक भाई आप बताएं जरा। सर मैंने तो एक दो सेटअप है जो कि आपने भी सर वो हाईलाइट किए थे ग्रुप में कि सेटअप तो ठीक है लेकिन वो फेल क्यों है सर। उसमें जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है सर वो तो ये थी कि जिस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल को स्वीप किया लिक्विडिटी भी है और ऊपर फिर उसी ने सर चोच को भी स्वीप किया है सर, वो सेटअप फेल हो गए थे मेरे दो। ना, नीचे भी स्वीप किया, ऊपर भी स्वीप किया है। सर मतलब अगर डाउन ट्रेंड में देखें तो नीचे से अगर स्वीप किया है तो जो दरमियान में हाईएस्ट पॉइंट थे तो उसने जो जो एक कैंडल है उसको बॉडी क्लोजिंग उस पर की है तो वो सर फेल हो गया था। चलें ठीक है। जी एक और रीजन सर मुझे मिली थी सर, जी जो वैलिड नहीं था ना सर जहाँ स्वीप हुआ है, अगर वो पुल बैक वैलिड नहीं था सर वो भी सर फेल हो गया सर। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अच्छा जी शकीला, आपकी क्या फाइंडिंग है? सर मेरे भी यही ख्याल है कि जो भी बताया लास्ट वन ने कि पुल बैक जो है वो वैलिड ना हो तो सेटअप काम नहीं करता। ठीक है जी फहद, आपकी क्या फाइंडिंग है? सर मेरी दो तीन फाइंडिंग्स हैं। एक तो ये है कि जैसे हमारे अभी स्क्रीन पे एक सामने ही आ रहा है, अगर हम इसको बिल्कुल यहाँ पे देखें तो ये पहले हमें सिग्नल दे रहा है कि ये ब्रेक होगा। आई एम सॉरी, मुझे मेरे उससे निकल गया अभी, कोई मैं इशू अभी नहीं देख रहा करता। था। समटाइम सर वो ऐसे होता है कि आपको छोटे उस पे शो कर रहा होता है कि वो ना नीचे को जा रहा है, लेकिन जरा उसको आप वाइडर उसमें देखें तो वो दूसरी साइड का सिग्नल दे रहा होता है, तो समटाइम ये भी हो जाता है। और इसके अलावा मैंने ये नोट किया है जी, जहाँ पे इसका अच्छा रिस्पॉन्स होता है वो ये रिस्पॉन्स होता है कि जब भी किसी हायर मेजर पॉइंट से ऊपर जाके मार्केट अपना ये बनाती है ना स्वीप बेस्ड चोक, तो जी वहाँ पे उसका रिस्पॉन्स ज़्यादा अच्छा बड़ा होता है, लाइक वो उसकी एक्सपेंशन काफ़ी ज़्यादा होती है जी। जी ठीक है, और कोई इनपुट कोई और देना? दो क्वेश्चन थे अगर आप कहें तो अभी कर लूँ या बाद में कर लूँ? दो सॉरी, करें क्वेश्चन थे अगर करें कहेंगे तो अभी कर क्वेश्चन। लूँ। जी जी करें वन बाय वन। जी अभी ये 1 घंटे का सेशन होगा क्योंकि इसका जो प्रीमियम वर्जन था ना जूम का, मेरा अभी एक्सपायर हुआ मैंने देखा है, तो ये 1 घंटे का सेशन होगा, तो हम अगर 10 लोग हैं तो 10 10 मिनट सबको मिल जाएंगे क्वेश्चन आंसर के। उसके बाद एक छोटी सी इनपुट होगी नेक्स्ट लेक्चर की, फिर ये वेबिनार एंड हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट आपसे ही कंटिन्यू करते हैं, आपके जो क्वेश्चंस हैं वो बोले मैं आंसर करता हूँ। जी सर, मेरा पहला क्वेश्चन तो ये था कि जब हम कहते हैं कि जी वैलिड पुल बैक होना चाहिए दो जो हमारी स्वीपिंग कैंडल्स होती हैं उसके दरमियान, तो जी वो वैलिड पुल बैक, एक पुल बैक होता है जो हम जब अप ट्रेंड होता है तो हम पुल बैक उसको कंसिडर करते हैं कि जी जो हमारी हाईस्ट कैंडल है उसका लो ब्रेक हो रहा है, जब डाउनवर्ड ट्रेंड होता है तो उसमें हम कहते हैं लोएस्ट का हाई ब्रेक होना चाहिए। तो ठीक है, ये देखिए पुल बैक कौन सा होगा, अप ट्रेंड का होगा या डाउन ट्रेंड का होगा, ये मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा था। और ठीक है, जी दूसरा क्वेश्चन। चले पहला क्वेश्चन मैं आपको सुना है। देखें ये जिस तरह अभी मार्केट क्या बुलिश आ रही है, आप लोगों ने देख लिया ठीक है ना, बुलिश मार्केट आ रही है। अब देखिए मार्केट ने क्या किया, जिस
जिस लो को स्वीप कर रही है यहां पे, ठीक है, ये देख रहे हैं। सर अच्छा, अब जिस लो को ये स्वीप कर रही है, ये वैलिड पुल बैक नहीं है। जब वैलिड पुल बैक नहीं है तो यहाँ लिक्विडिटी नहीं होगी, तो जब लिक्विडिटी स्वीप नहीं होगी तो वो हमारा वैलिड स्वीप बेस चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं होगा। नो डाउट हो सकता है कि मार्केट उसके बाद ऊपर ही ऊपर निकल गया, लेकिन हम इसको ट्रेड नहीं करेंगे। सर, ये जो आपने कहा वैलिड पुल बैक नहीं है, इट्स मीन कि ये जो सेकंड रेड कैंडल थी, ये इसकी विक जरा ज्यादा डाउन होनी चाहिए थी, इस हिसाब से आप कह रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है कि देखिए ना, पुल बैक क्या होता है बुलिश ट्रेंड में, आपके मार्केट प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक करे और कैंडल हाईएस्ट हो। अब इस रेड कैंडल ने इस रेड कैंडल का लो ब्रेक किया है, जी इस रेड का लो तो इस वाली कैंडल ने ब्रेक किया, लेकिन इस ये कैंडल ने प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक किया है ना, जी जी किया। लेकिन वो हाईएस्ट कैंडल नहीं थी। हाईएस्ट कैंडल वो थी उस वक्त ये ब्लैक वाली, तो सही ब्लैक सर का हाई और लो प्रोटेक्टेड है। अब जब तक ब्लैक का हाई और लो प्रोटेक्टेड रहेंगे, ठीक है, तो इसके अंदर बनने वाली कैंडल वैलिड पुल बैक नहीं देगी, सही जी ठीक है। तो जहां मतलब वैलिड पुल बैक मीन इंड्यूसमेंट लेवल, जहां आपकी इंड्यूसमेंट वैलिड होगी, जाहरी बात है वो आपका पुल बैक भी वैलिड होगा। जहां आपकी इंड्यूसमेंट वैलिड नहीं होगी, वो आपका पुल बैक भी वैलिड नहीं होगा। तो सर इस कैंडल के नीचे, वो ग्रीन कैंडल के नीचे मार्केट ने क्लोज करना चाहिए था। कौन सी ग्रीन कैंडल? यहाँ तो ग्रीन कैंडल कोई नहीं मेरे। ये सबसे बड़ी लेफ्ट वाली आपने बोला ना, इसका लो भी प्रोटेक्टेड अब है। देखें, ये दो चीजें होती हैं। अब अगर ये सबसे हाईएस्ट कैंडल है, ठीक है, अब ये जब तक सारी कैंडल इसके अंदर है, सारी इनसाइड बाहर है, ठीक है ना, जी अब सारी हाँ इनसाइड बाहर है। अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि क्या अब भी सारी इनसाइड बाहर हैं, जी नो सर, बाकी लोग बताएं। नो नहीं सर अब नहीं है। जी नहीं दीपाली, सर, आप बताएं। नहीं सर, अब नहीं है सर हाँ जी दीपाली, आप बताएं। हाँ जी, नहीं, इसका हाई वे ब्रेक हुआ है। जी, बस ये सिंपल सी बात है कि जो आपको बाजार बहुत बड़ी कैंडल लग रही है ना, अगर किसी का साथ वाली ही कैंडल ने उसका हाई ब्रेक कर दिया, चाहे एक पिप से कर दे या हाई ब्रेक कर दे, या उसका कोई कैंडल उसी लो वक्त ब्रेक कर एक दे, पिप से लो ब्रेक कर दे, उसी वक्त कर दे, बाद में कर दे किसी पॉइंट पे जैसा कि यहाँ पे, तो तब इस कैंडल की जो इम्पोर्टेंस है वो खत्म हो जाती है। फिर उस कैंडल को देखने नेक्स्ट कैंडल को, ठीक है ना। तो इट्स मीन कि जब भी हम इनसाइड कैंडल की बात करते हैं, तो वो उस कैंडल को हम प्रीवियस लॉन्ग हिस्ट्री देखते हैं, जिस तरह मैं आपको यहां दिखाऊं। ये देखें, ये हाईएस्ट कैंडल है, इसके अंदर ये जो छोटी छोटी कैंडल हैं, ये देख रहे हैं, ये वाली, यस हाँ, सर, ये इनसाइड बार्स हैं। क्यों? क्योंकि इसने प्रीवियस कैंडल का हाई और लो नहीं ब्रेक किया। अब जैसे ही इस वाली कैंडल ने लो ब्रेक किया ना, ये ब्लैक वाली कैंडल ने, इस वाली कैंडल ने, तो अब क्या होगा? अब ये वाली जो इनसाइड कैंडल्स हैं इसके रेफरेंस से, लेकिन बाकी जो कैंडल्स हैं इनके आगे, ये वाली, अब ये इनसाइड बाहर नहीं है। क्यों? क्योंकि एक कैंडल इसके बाहर निकल चुकी है, उसने इस कैंडल का लो ब्रेक कर दिया, ठीक है ना, पॉइंट समझ जी आया। हाँ अब अगर हम इस कैंडल की बात करें, ये कैंडल हाई है, ठीक है, ये वाली कैंडल, इसके अकॉर्डिंगली ये दोनों इनसाइड बार हैं, ठीक है। अब हम अगर इस कैंडल को देखें, तो ये सारी इनसाइड बार नहीं है, ये वाली, इसका हाई इसने ब्रेक किया, इसका इसने किया, इसका इसने, इसका फिर इसका इसने हाई नहीं ब्रेक किया, लो ब्रेक किया, चाहे हाई ब्रेक हो जाए चाहे लो ब्रेक हो जाए, ठीक है। अब ये रेड कैंडल है, इसके अंदर बनने वाली जितनी भी कैंडल्स हैं, ये वाली, ये सारी क्या है? इनसाइड बार, ये साइड वाली सारी बार, कैंडल, ये सारी कैंडल्स, ठीक है, ये देखिए। दैट्स क्योंकि इसने अब रेड कैंडल, जैसे ही रेड कैंडल का लो वॉयलेट हुआ, ये वैलिड इंड्यूसमेंट भी बन गई, वैलिड पुल बैक भी बन गया, और इस कैंडल मतलब ये कैंडल नील हो जाएगी हमारे लिए, ठीक है। यस तो अभी जो आपकी बिल्कुल फाइंडिंग्स है आप स्टूडेंट्स की, वो बिल्कुल बेहतरीन है। सबसे पहले जो भी स्वीप बेस एंट्री, इसको स्वीप बेस चोप कह लें या आप कह लें जी एंट्री, ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है ट्रेंड डायरेक्शन, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट ट्रेंड डायरेक्शन में, सेकंड ये इफेक्टिव होती है व्हेन मार्केट टैप इनटू पीआई जोन,
किसी भी पीयूआई जोन में। पीयूआई जोन का मतलब क्या होता है कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट विच कैन बी ओपी एफवीजी, ठीक है, आपका मिटिगेशन ब्लॉक, सप्लाई डिमांड, जो भी आप जिस चीज को भी आप कहते हैं कि जी ये मेरा मतलब कि पीयूआई जोन है, ठीक है ना। और तीसरा क्या होता है, तीसरा जब मार्केट इंड्यूसमेंट पर स्वीप करती है, इंड्यूसमेंट लेवल, वहां आपका स्वीप चौक बनता है, ठीक है। तो ये कुछ मेजर पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। अगर आप इनको देखेंगे तो आपको बड़ी क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी। और लॉन्ग टर्म रिवर्सल कब देता है, लॉन्ग टर्म रिवर्सल तब देता है स्वीप इज चेंज ऑफ करेक्टर जब वो आपके हाई टाइम फ्रेम के पीयूआई जोन में टैप करें, टैप इनटू, यहाँ अगर मैं एक वर्ड ऐड कर दूँ, HTF, हाई टाइम फ्रेम पीयूआई जोन, सिंपल। तो वहां वो लॉन्ग टर्म रिवर्सल देता है। जैसे हम गोल्ड की बात कर लें, गोल्ड में अगर मैं वन डे में जाऊं, ठीक है, वन डे में मैं गया हूं, तो आप यहां देखें ये क्या पड़ा हुआ है, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक। जब ये आप ऑर्डर ब्लॉक थ्योरी पढ़ेंगे तो ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, हाई टाइम फ्रेम यस का वैलिड ऑर्डर ब्लॉक। अब हम क्या करेंगे, इस सेगमेंट को देखेंगे लो टाइम फ्रेम पे, यानी 4th अक्टूबर, 6th अक्टूबर को मैं देखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल जाके M30 पे, गो टू 6th अक्टूबर, चल ये 6th अक्टूबर आ गया। अब यहां देखें, ये उस पीयूआई जोन में मार्केट घूम रही है। अब यहाँ आप स्वीप चेक करें कि मार्केट स्वीप करती है तो क्या करती है, मार्केट ने फर्स्ट टाइम स्वीप किया, फर्स्ट स्वीप करने के बाद मार्केट यहाँ से ऊपर गई, लेकिन जो भी इसका मिडिल हाई था उसके ऊपर क्लोज नहीं किया, मार्केट अगेन नीचे आ गई। जब अगेन नीचे आई तो हम अगेन फ्रेश स्वीप को देखेंगे, मार्केट ने फ्रेश स्वीप किया, फ्रेश स्वीप करने के बाद मार्केट ने क्या किया है, जो इसका मिडिल हाई है उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी इस पॉइंट पे, ठीक है। अब ये जो स्वीप इज चेंज ऑफ करेक्टर है ये कंप्लीट ट्रेंड रिवर्स करेगा, और अब आप मार्केट की टोटल मोमेंटम देखें, मार्केट का ये देख रहे हैं, कितने पिप्स में तकरीबन ये बन रही है, तकरीबन 2000 पिप्स की मूव है राउंड अबाउट। और इसके दौरान जितने भी बाय साइड के स्वीप होंगे, जितने भी बाय साइड के स्वीप होंगे, वो मार्केट को ऊपर ही ऊपर पुल करते जाएंगे। जैसा कि अगर हम अभी देख लें, जी अब्दुलरहमान, मैं आपका क्वेश्चन लेता हूँ, देखें, चलें यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, ये आपको नजर आ रहा है सबको, जी सर, एक सेकेंड जी। अच्छा ये देखें, ये मार्केट ने स्वीप किया, ठीक है, इसको इसने स्वीप किया, ये सारा टोटल स्वीप एरिया है, ठीक है। स्वीप करने के बाद ये मार्केट ने क्लोज किया, क्लोज करने के बाद मार्केट का रिएक्शन देखें, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट देखें, मार्केट बाय जाती जा रही है, बाय जाती जा रही है। अब फिर किसी पॉइंट पे देखें, अगर आपको कहीं स्वीप एस एंट्री मिलती है, चलें ये देखें, ये मार्केट ने प्रीवियस लो को स्वीप किया, स्वीप करने के बाद मार्केट ने ऊपर क्लोजिंग दी, क्लोजिंग के बाद रीटेस्ट है, और फिर मार्केट का रिएक्शन देखें, ठीक है। उसके बाद फिर किसी पॉइंट पर देखें, अगर आपको स्वीप मिलती है तो वहां मार्केट का रिएक्शन देखें, ये देखें, ये मार्केट ने स्वीप किया, सॉरी, ये मार्केट ने स्वीप किया, स्वीप करने के बाद इनके दोनों के दरमियान जो मिडिल हाई है उस पर ये क्लोजिंग है इस पॉइंट पे, ठीक है। उसके बाद मार्केट का रिएक्शन देखें, ठीक है, फिर मार्केट ने क्या किया उसके बाद, अब यहां पे आगे क्या हुआ ये देखें, अब आप यहां देखें, यहां आके स्वीप बेस चेंज ऑफ करेक्टर आपका फेल हुआ है,
देख रहे हैं, नीचे स्वीप है, ऊपर क्लोज है। तो मार्केट में क्या एक्सपेक्टेशन थी हमारी, हमारी एक्सपेक्टेशन ये थी कि ये, क्योंकि ऊपर क्लोजिंग है तो मार्केट यहाँ से रिटेस्ट करके ऊपर जाती। जी सर, ऐसा क्यों नहीं हुआ? इसकी इंडिकेशन के लिए हम सिंपल यहाँ एक लाइन लगाते हैं, ये वाली, बल्कि मैं दूसरी वर्टिकल लाइन लगा देता हूँ। चलिए यही लगा लेते हैं, सिर्फ मार्कअप के। यहाँ से मार्केट ये वाला स्वीप क्यों नहीं सक्सेसफुल हुआ, वन डे पे वापस जाते हैं। इसको रिफ्रेश करें, अब इसी लाइन को पकड़ें, लेफ्ट साइड पर ड्रैग करें। ये देखें मार्केट ने क्या किया है, हाई टाइम फ्रेम के पीओआई जोन में टैप किया है। जब हाई टाइम फ्रेम के पीओआई जोन में टैप किया है तो अब आपका जो बाय साइड का स्वीप बेस चेंज ऑफ करेक्टर है वो इतना इफेक्टिव नहीं रहा, ठीक है? जी ये देखिए, सॉरी, ये यहाँ टैप किया बैक साइड पे, ये ठीक है ना। अब आपका बाय साइड का स्वीप इफेक्टिव नहीं रहा, अब क्या होगा? इसको मैं जरा रिमूव करता हूँ ड्राइंग को। अब आप जब हाई टाइम फ्रेम का आपका पीओआई जोन टैप हुआ है तो इसके बाद कौन से पीओ आपका इफेक्टिव हुआ ज्यादा, ये देखें। ये मार्केट ने स्वीप किया, स्वीप करने के बाद मार्केट ने इस मिडिल लो के नीचे ये क्लोजिंग दी है, क्लोजिंग दिया तो उसके बाद मार्केट का रिएक्शन देखें। मार्केट आई है, रीटेस्ट किया है, नीचे चली गई है। उसके बाद दरमियान में जितने भी स्वीप बेस चेंज ऑफ करेक्टर हैं दोबारा वो मार्केट को नीचे पुश करते जाएंगे। स्वीप है, नीचे क्लोजिंग है, मार्केट नीचे गई है, ठीक है? स्वीप है, जी नीचे क्लोजिंग है, मार्केट नीचे गई है, ठीक है? किसी भी जगह पर देख लें, स्वीप है, मार्केट नीचे क्लोज है, मार्केट नीचे गई है। अब फाइनली फिर एक पॉइंट ऐसा आता है, फिर एक पॉइंट ऐसा आता है कि आप क्या देखते हैं कि मार्केट ने प्रीवियस शॉर्ट टर्म हाई को स्वीप किया है, नीचे क्लोजिंग दी है, थोड़ा सा नीचे गई है, लेकिन उसके बाद मार्केट ने अब्रप्ट बाउंस करना शुरू कर दिया ऊपर को। अब इसकी क्या रीजन है? दोबारा वन डे पे जाएं, पहले इसको उसी टाइम फ्रेम पे रखें, इस जोन को मार कर लें। सर, ये क्या देखिए, वनडे पे जाके कंफर्मेशन लेनी होती है? हाई टाइम फ्रेम आपका वन मोस्टली वन डे टाइम फ्रेम ही होता है ना। अब इस जोन को देखें जहाँ जिसके बाद मार्केट ने सेल साइड का स्वीप बेस की रिस्पेक्ट नहीं की, वन डे पे जाएं तो यहाँ आपको क्या नजर आएगा, ये देखें। ये क्या है आपका वन डे का फेयर वैल्यू गैप, फिर मार्केट ने इसकी रिस्पेक्ट करना छोड़ दिया, फिर मार्केट बुलिश। जब यहाँ से फिर बाय की है फिर इसने बाय साइड के स्वीप बेस जो को रिस्पेक्ट देना शुरू कर दिया। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है आपका, इतनी प्यारी एंट्रीज मिलती है ना आपको, जब तक आपका ट्रेंड बेरिश है सेल साइड का स्वीप बेस फाइंड करें, ट्रेड लगाते रहें, ठीक है? काउंटर ट्रेंड कब ट्रेड करना है, जब हम एंटी टेक्निक में जाएंगे तो हम ये भी चीजें स्टडी करें। जी, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है सबका? जी, यस सर, बाकी भी बता दें। जी सर जी सर, क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन ये था कि जी इसकी एंट्री कैसे लेंगे? हाँ जी, एंट्री कैसे लेंगे? चले मैं एक्सप्लेन। अच्छा, एक सेकंड दे जरा। फायदा आप फायद से हमने स्टार्ट किया, फायदा आपका कोई फर्दर क्वेश्चन है तो बता दें, ताकि फिर मैं सर किसी। जी वो एक चीज बस मुझे थोड़ा सा अभी भी डाउटेड है। जो आपने वो जो अभी पुल बैक को एक्सप्लेन किया, तो इसका मतलब है कि जो जो जिस कैंडल की विक को स्वीप करती है उसी कैंडल का पुल बैक हमने देखना है, कि उसका पुल बैक हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि बीच में जितने मर्जी पुल बैक बनते रहे वो मैटर नहीं करते। हाँ एक जी ये कंफर्म कर दें। जी हाँ जी, हाँ जी, बोल रहे हैं। और दूसरा सर, आप ये कर दें सर, फिर मैं दूसरा पूछ लेता हूँ आपसे सर। ये देखें ना, अगर ये दो हाई है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मार्केट नीचे जाएगी तो एक हाई बनाएगी ना, जी सर, रनिंग आउट ऑफ टाइम, इतनी जल्दी आ गया इसका, कोई मसला नहीं है। अच्छा, ये हाई है कि ये हाई है? मार्केट ने इस हाई को स्वीप किया तो मार्केट जितना नीचे आके जितना ऊपर जाती है स्वीप करने, तो उसके दरमियान में जो लो बनता है उसको हम कहते हैं मिडल लो, यानी आप कह लें कि उस पॉइंट के नीचे हमें क्लोजिंग चाहिए होती है। अगर इसके नीचे क्लोजिंग होती है इस पॉइंट पे तो फिर हम इसको सेल कर सकते हैं। आप इसको कैसे सेल कर सकते हैं वो भी चले मैं आंसर दे देता हूँ सिंपल। जो टोटल रेंज बनती है उस पर फिबोनाची ड्रा करें, जैसे ही मार्केट आपके 50% लेवल के ऊपर जाए इसको सेल कर लें,
पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि अगर आप स्वीप इस चेंज ऑपरेटर के बाद जो भी पहला फेयर वैल्यू गैप होता है उसको मार करें, उसमें मार के टैप करें तो आप सेल कर सकते हैं। एसएल कहाँ होगा, जिन दो हाइज ने आपस में स्वीप किया उसके ऊपर एसएल। टेक प्रॉफिट कितना होगा, टेक प्रॉफिट जितना ये आपका एसएल बनता है, फॉर एग्जाम्पल ये आपका एसएल बनता है कोई 30 पिप का, तो आपका जो टीपी है तकरीबन 90 पिप्स हो जाएगा ये वाला। ठीक है, इसको हम एनी टेक्निक में स्टडी करेंगे। फॉर द टाइमिंग जब स्वीप करें दरमियान में फेयर वैल्यू गैप फाइंड कर लें, या आप उसमें दूसरी चीज जो होती है 50% फिबोनाची ड्रॉ करके उससे कर लें। जी फाहद भाई आप और क्वेश्चन है तो पूछें। जी सर, डन हो गया, ओके हो गया। और दूसरा मुझे बस यही डाउट था जी कि वो आप हमारा जो 10th लेक्चर था उसमें हमने इसको पढ़ा था स्वीप बेस्ड चेंज ऑफ करेक्टर से ना, और वहाँ पे जो एग्जांपल्स भी हमने ली हुई हैं वो हमने सिर्फ रिवर्सल की ली हुई हैं। तो मुझे ऐसा ही है। सिर्फ ये डाउट हो रहा था कि हम इसको चेंज ऑफ करेक्टर क्यों कह रहे हैं जब ये ट्रेंड की डायरेक्शन में भी चल रहा है। लाइक हम जब भी इसको मार्क कर रहे हैं तो ट्रेंड की डायरेक्शन में भी ये जा रहा है, तो हम तब भी इसको चेंज ऑफ करेक्टर कह रहे हैं, तो वो देखें मुझे अब सिर्फ ये डाउट हो रहा था। कहते जी क्यों हैं ये, मैं इस पे तो आपको इतनी सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकता। बेसिकली पॉइंट ये है कि जो मतलब जिसने ये एक मेथड निकाला था या जिसने इस चीज को फाइंड आउट किया, ठीक है, हमने उसी चीज को ले चले हैं। इसलिए मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि जो स्वीप बेस चेंज ऑफ करेक्टर है, आप इसका नाम तो रख दिया चेंज ऑफ करेक्टर, लेकिन ये चेंज ऑफ करेक्टर नहीं होता, ये आपका डीपर पुल बैक कंफर्म करता है। अनटिल अनलेस आपके हर टाइम फ्रेम के पीवाई जोन में टैप करेगा तो ये आपका ट्रेंड कंप्लीट रिवर्स करेगा। ठीक है सही जी, थैंक यू सर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन था अभी किसने स्टार्ट कर रखा था जी, नेक्स्ट क्वेश्चन किसका था, अब्दुल हक का, हसनुल हक। नहीं सर, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं था, बस यही जो क्वेश्चन था वो फहद भाई सर जी, क्लियर हो मेरा गया। एक ठीक क्वेश्चन था है सर सर। जी। जी जी बोल रहे सर हैं जी, जी मेरा शाह। मेरा ये क्वेश्चन था सर जी कि इसमें हम यानी कि वन डे टाइम फ्रेम में पहले उसका वो फाइंड करके फिर सर कर सकते हैं इसको छोटे टाइम फ्रेम में, यानी कि पहले हम जैसे वन डे टाइम फ्रेम में वो जैसे आपने बोला कि उसका वो फाइंड कर लें ऑर्डर ब्लॉक या उसका जो भी है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, तो इस तरह करके हम फिर बाद में उसके अंदर अंदर जैसे बनते रहेंगे स्वीप ऐसे कर सकते हैं सर उसमें ट्रेड। मुझे अगर क्वेश्चन ही समझ आया, ऐसे ऐसे मुझे सर पॉइंट जी दिख रहे मैं ये कह रहा हूँ कि वन डे टाइम फ्रेम में हम सर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड कर लें, कर लिया, ठीक है। करने के बाद सर हम उसको छोटे टाइम फ्रेम पे जिस यानी कि अगर हम वन डे उसमें हमने अगर हमारा वन डे टाइम फ्रेम पे बेरिश ट्रेंड है तो हम जो स्वीप बेस बेरिश बनेगा उसको ट्रेड कर लें, ये पूछना चाह रहा था सर। हाँ यानी कि जी, जैसे पहले अभी जैसे मैंने गोल्ड का आपको दिखाया कि 1 डे का पीवाई जोन है, M15 में उसने बाई साइड का चोक किया है, बाई साइड का वो पीवाई जोन था, तो हम उसको ट्रेड कर सकते हैं। यानी कि पहले हम सर वन डे टाइम फ्रेम पे उसकी डायरेक्शन फाइंड कर लें। एग्जैक्टली, हम हमेशा करना है जब हम एंटी टेक्निक स्टडी करेंगे तो हम हमेशा पहले हाई टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे जो भी करना है, ठीक है ना, जी सर, उसी से ठीक स्टार्ट हो गया करेंगे। सर, ठीक हो गया जी आगे दीपाली आपका कोई क्वेश्चन। जी। नहीं सर, चलें चलें, कोई इशू नहीं दीपाली, आपकी इंड्यूसमेंट का कॉन्सेप्ट माशाल्लाह आपका बेहतर हो रहा है, तो ठीक है, इस पर इंशाल्लाह मजीद आपके साथ 1-to-1 सेशन भी कर लेंगे। आज के इस वेबिनार में सिर्फ ये है कि आपके इनपुट्स लूँ, क्वेश्चन वगैरह, कल हम नेक्स्ट लेक्चर को देखेंगे कि कल हमने क्या मतलब आगे कौन सा टॉपिक स्टडी करना है। बेसिकली इस टॉपिक में मैंने आपको स्ट्रक्चर मैपिंग पे ज्यादा रगड़ा लगाना है, ये आपको समझ आ गई तो सारा कुछ आसान है। उसकी मैं आपको एग्जाम्पल भी दूंगा एक दो, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर स्ट्रक्चर मैपिंग आ जाए तो आपको किसी दूसरी तीसरी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। कल हम उसकी एक एग्जाम्पल भी स्टडी करेंगे। जी हाफिज मोहम्मद जी शाह सर, से भी हो गया। जी जमशेद भाई आपका कोई क्वेश्चन। हाँ जी चले जमशेद साहब। हाँ जी सर मुझे एक्चुअली ये ऑर्डर ब्लॉक में थोड़ी सी प्रॉब्लम, चार्ट देखने पर ऐसा लग रहा था कि ये बीच का ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है लाइक रेड कैंडल देन ब्लैक और देन रेड कैंडल। ये ऑर्डर ये लाइक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था, पर वो देखने के बाद में ऐसा लग रहा था मार्केट और नीचे गिर सकती है करके, तो लाइक यहाँ से बुलिश ट्रेंड शुरू हुआ, तो ये लाइक ये कंफर्मेशन लाइक ये कैसे एंट्री लेना, ये थोड़ा सा मुझे डाउटफुल था, चलें, और हम ये किसी देखने के बाद में। जी हाँ जी एंटी टेक्निक को हम स्टडी करेंगे आगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है ना, एंटी टेक्निक को हम स्टडी करेंगे, बाकी ऑर्डर ब्लॉक कौन सा वैलिड होता है, कैसे देखना है, मैं आपको दोनों मेथड बता दूंगा, वो कोई इशू नहीं है। ठीक है ना,
हम इसको स्टडी कर लेंगे आगे। अभी हम जो सी बी एस ई जो क्राइटेरिया प्रीवियस लेक्चर है उसके रिलेटेड अभी पूछ लेते हैं जी। अब्दुल फरूकी, अल फरूकी जी, सर आपका कोई क्वेश्चन है तो बताएं। सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर आई हैव ओनली वन क्वेश्चन जी जी हियर। व्हेन मार्केट हैपनिंग द स्वीप स्टॉक ओके आफ्टर दे ब्रेक आउट द मिडिल ऑफ लो और मिडिल ऑफ हाई ओके देन 60% टाइम मार्केट नॉट कम टू द रिटेस्ट हाँ ओके एंड दिस इज माय क्वेश्चन इफ नॉट कम टू रिटेस्ट that market when how we take trade with that setup जी, उसका ये आंसर है। हम क्या करेंगे बेसिकली कि जब हम इस चीज़ को स्टडी करेंगे तो हम स्वी बेस चेंज ऑफ करेक्टर जहाँ होगा, जहाँ में एंट्री का कंफ्यूजन रहती है, वहाँ मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे। अब मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस क्या होते हैं इसकी मैं एग्जांपल, क्योंकि अभी 3 मिनट रह गए हैं, चले मैं आपको नेक्स्ट लिंक ड्रॉप करता हूँ तो उसमें बताता हूँ। उसकी एग्जाम्पल में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे पता चल जाता है, एडवांस में पता चल जाता है कि यहाँ मार्केट स्वीप करके दोबारा दूसरे पे मूव करना चाह रही है। समटाइम मार्केट वाकई ही आपको इस तरह की अपॉर्चुनिटी नहीं देती। मैं देखता हूँ अगर ऑप्शन यहाँ मिलता है तो मैं आपको मार करके दिखा देता हूँ। ये हमारे पास वन डे की कैंडल्स हैं जो आपस में स्वीप कर रही हैं। इसको मैं ले जाता हूँ सबसे पहले 4 आवर्स। हाँ जी, अब ये देखें 4 आवर में क्या हुआ है बेसिकली। देख रहा हूं अगर यहाँ बनते हुए ना वो चीज तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, अगर ना बनती हुई तो मैं आपको कोई वैलिड एग्जांपल ढूंढ के बता दूंगा। यहाँ भी कैंडल ने स्वीप किया है, स्वीप करने के बाद कैंडल ने ऊपर क्लोज किया है, ठीक है, लेकिन यहाँ तक काफी टाइम टेकिंग है। अब इसके बाद हम जाते हैं M30 पे, सेम टाइम फ्रेम सेम चार्ट, दोबारा उसी जगह पे आ गए हैं। यहाँ भी इसकी जो इंडिकेशन है वो लेट मिली है। उसके बाद हम चल जाते हैं जी 15 पे। बेसिकली जब इस तरह की कंडीशन होती है ना तो आपको जो लो टाइम फ्रेम होता है ना वो साथ सपोर्ट कर रहा होता है, आपको जल्दी बता रहा होता है। लेकिन यहाँ बाय चांस सिनेरियो में ख्याल ऐसा है कि हर टाइम फ्रेम पे सेम जगह पे जाके इसका बना है, ठीक है, इसमें भी वो एसेंशियल नहीं है। चलिए इसकी हम कोई ना अच्छी सी एग्जांपल देखते हैं, उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना, कोई इशू नहीं। होता क्या है बेसिकली, आपका ये पॉइंट वैलिड भी है जिस तरह अभी उन्होंने पूछा कि मोस्टली जब मार्केट स्वीप बेस चेंज ऑफ करेक्टर करती है तो हम उसके 50% का वेट करते हैं। अगर मार्केट वो 50% के बाद आपको एंट्री नहीं देती तो हम फर्स्ट पुल बैक पे, यानी कि बिल्कुल नॉर्मल तरीके से हम क्या करते हैं, इंड्यूसमेंट और ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मार करते हैं, तो उसके बाद हम एंट्री फॉर्मुलेट करते हैं। जिस तरह अगर हम यहाँ बात करें, अभी 1 मिनट रह गया लेकिन मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये वो जोन था जहाँ मार्केट ने स्वीप बेस चेंज ऑफ करेक्टर किया है, सॉरी यहाँ पे ये स्वीप बेस चेंज ऑफ करेक्टर किया है। अगर आपकी यहाँ एंट्री मिस हो गया इस पॉइंट पे, ठीक है, और यहाँ आपका हाई टाइम फ्रेम का PUI जोन है, तो आपको पता है कि अब ये ट्रेंड रिवर्सल की तरफ जा रही है, तो फिर आप सिंपली क्या करें, जब मार्केट ऊपर जा रही है तो आप एक रिसेंट अपनी इंड्यूसमेंट मार कर लें किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, ये देखें लो टाइम फ्रेम पे आ गए। लो टाइम फ्रेम पे हम क्या करेंगे, हम इंड्यूसमेंट मार करेंगे अपनी, जिस तरह ये एक इंड्यूसमेंट है। इंड्यूसमेंट के बाद हम जो भी हमारा मोस्ट रिसेंट PUI जोन है उस पर हम एंट्री ले लेंगे। ये हमारा इसका इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो है टोटल, क्यों, क्योंकि ये एक लास्ट सेल मूव है,